कैसा पर्दा किए बैठे हो ओ रे जालिम कहाँ रहते हो कैसा पर्दा किए बैठे हो दीदार को हुआ अरसा और देखना मैं तरसा कब मेरे तुम कहलाओगे अब तो सावन भी बरसा मुझे डाइवोर्स पेपर आज चाहिए सर एक काम में उलझ गया था कागजात कंप्लीट है बस आपको भिजवाने हैं अरे अगर पेपर्स तैयार हैं तो बताओ मैं तो खामखा परेशान हो रहा था अच्छा किया अनीला बेगम जो तुमने खुद को अलग करने का फैसला कर लिया आखिर कब तक मैं तुम्हारा और तुम मेरा बोझ उठाती दोनों माँ बेटी बेवा है सबकी हमदर्दियां उनके साथ होंगी मेरी माना तो तुम कल सुबह ना फूफो को यहाँ से जाने का कह दो ऐसा किया तो और चिढ़ जाएंगी याद है जब मैंने सवेरा पर हाथ उठाया था कैसे गुस्सा हो गई थी कैसा पर्दा किए बैठे हो उससे मिलना चाहता है तलाक देने के लिए अगर रजा को ये पता चल जाए कि वो लड़की उजाला है मौसूफ को उससे मोहब्बत भी होगी अनिका को सीरियस नहीं ले रहा और इसकी वजह भी वही लड़की है जिसे ये उजाला समझता है रजा कैसे दूर रखूं मैं तुम्हें उससे इस सारी सच्चाई से कैसे दूर रखूं काश तुम्हारे फैसलों में थोड़ी लचक होती तो मैं तुम्हें मनाकर उन पेपर्स पे साइन करवा लेता वाओ मामा फ्यूचर बहुत मजे की भाई बस खुशी में यही सब होता है वैसे जीशान आप हमें बता देते तो हम आपको लेने एयरपोर्ट आ जाते अरे सायरा तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे मैं पहले कभी बगैर बताए आया ही नहीं लगता है तुम लोगों को मेरे आने की इस बार खुशी नहीं हुई अरे नहीं पापा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं मामा और मैं तो बहुत खुश हैं आपके आने पे हाँ बिल्कुल देखा इस घर में सिर्फ मेरी बेटी है जिसको मेरे आने की खुशी है जीशान आप और आपकी बेटी गलत समझ रहे हैं मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि हमेशा आपके आने का मुझे मालूम होता है लेकिन इस बार पता नहीं अरे तुम खवातीन तो कभी भी खुश नहीं रह सकती अरे मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है अब हमें इसके रिश्ते की फिक्र करनी चाहिए क्यों जी ठीक है पापा आप आ गए और मेरा बेटा मेरी जान हाउ आर यू यंग मैन आई एम गुड आप कैसे हैं फर्स्ट क्लास फिट थैंक यू पापा आपने आके मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। हैं? तुम्हें कौन सी परेशानी थी बेटा जो दूर हो गई क्या मामा ये हमारे बाप बेटी की आपस की बात है जिस तरह आप और आपकी बेटी की आपस की बातें होती ना उस तरह लो भाई सारा अब मजा आएगा इस घर में दो पार्टियां बन गई हैं। नहीं पापा मैं मामा को इस चुड़ैल के सहारे नहीं छोड़ सकता हूँ ये तो वैसे भी यहाँ से जाने का इरादा करके बैठी हुई है हाँ भाई बाप जितना भी कुछ कर ले बच्चे होते माँ कहिए ठीक है भाई क्या हुआ तुम सो क्यों नहीं रहे सो जाऊंगा तुम्हें क्या सारे घर में बखेड़ा करके खुद सुकून से सॉरी बिला वजह मुझ पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो
मैं परेशान हूं रेहान, जरा सोचो घर में इतना कुछ हो गया लेकिन उसके बावजूद पुप्पो जा ही नहीं रहे। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, इतना बड़ा ड्रामा खड़ा किया मैंने और इन ढीठ औरतों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रेहाना, मुझे लगता है फुफ्फो घर में अपना दावा करते हैं और अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमें उनका हक देना पड़ेगा। दोनों माँ बेटी बेवा हैं, सबकी हमदर्दियां उनके साथ होंगी। मेरी माना तो तुम कल सुबह ना फुफ्फो को यहाँ से जाने का कह दो। ऐसा किया तो और चिढ़ जाएंगी। याद है जब मैंने सवेरा पर हाथ उठाया था कैसे गुस्सा हो गई थी। खैर ये तो तुमने ठीक ही किया, ऐसी बिगड़ी हुई लड़कियों को इसी तरह ही सीधा किया जा सकता है। सुनो कल ना तुम पप्पो से कह दो कि उनको अपना हक लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। तुम देखना कोर्ट का नाम ना बड़ा ही बुरा होता है मजीद, ना तो पप्पो के जेब में पैसे हैं और ना ही उनके पास कोई हीला वसीला। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही, कोर्ट के नाम से ही पप्पो पीछे हट जाएंगे। देखा मान गए ना, तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा जहीन है। अरे पगली मैंने कब इनकार किया। बस पगली कह के पूरी जानत पे पानी फेर दिया ना। चलो सो जाओ। ये लो तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम। तुम कहती थी ना कि मैं तुम्हें कभी ये परफ्यूम ला के नहीं देता, ले आया इस बार। थैंक यू। लेकिन इस बुढ़ापे में चोचले उठाने की क्या जरूरत, ये कोई वक्त है? अरे था भाई, हमारा वक्त हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वैसे तुम लोगों को खुश देख कर ना तो मुझे बहुत इत्मीनान हुआ, वरना मैं तो सोच सोच रही हूँ परेशान हो रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान में मेरी फैमिली के साथ क्या इश्यूज हैं। अरे ऐसी बिला वजह की आपने फिक्रें पाली हुई थी। हाँ शायद जब औलाद खुद मुख्तारी की जानब बढ़ जाती है ना तो माँ बाप की परेशानियाँ भी बढ़ जाती हैं। मैं भी परेशान हो गया था, अरीब मुझे अवॉइड कर रहा था, मुख्तसर बात होती थी, अनीका से बात ही नहीं हो पाती थी। मुझे लगा कि शायद बच्चे तुम्हें तंग कर रहे हैं, घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो, मगर है ज़रूर। तो फिर तसल्ली हो गई आपकी? हाँ, क्योंकि मेरी सायरा ने हमेशा की तरह घर को और घर वालों को बड़े अच्छे अंदाज से संभाल के रखा है। अच्छा हाँ, वो तुमने बताया नहीं रिश्ते के बारे में। अरे वो अनीका का जो रिश्ता आया है कब बुलवा रही है उन्हें, मैं मिलना चाहूँगा। हाँ हाँ मिल लीजिएगा, अभी तो आप आए हैं, इतनी जल्दी क्या है। अरे जल्दी है सायरा, मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक सकूँगा और बेटी का मामला बहुत नाजुक होता है, मैं पूरी छानबीन करूँगा और पूरी तवज्जो से ये मामला देखूँगा, आखिर को मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। रात के 2 बजे पागल है लड़की। हेलो हेलो रजा, रजा तुम सुन रहे हो ना? हाँ बोलो अनिका, सुन रहा हूँ। तुम सो रहे हो? रात 2 बजे तुमने मुझसे ये पूछने के लिए फोन किया? नहीं रजा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि तुम वहाँ इतने मजे से सो रहे हो और मेरी यहाँ जान पे बनी हुई है। क्यों क्या हुआ है? रजा पापा आ गए हैं। हाँ तो
तुम्हें खुश होना चाहिए ना। देखो रजा प्लीज, मैं तुम्हें आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम मेरी बात मान जाओ। देखो हम लोग कल सुबह ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर पापा कुछ भी नहीं कर सकेंगे, बस थोड़ी देर के लिए नाराज होंगे, फिर वो हम दोनों से मान जाएंगे। प्लीज रजा। अनिका, तुम इस बात पर मेरा जवाब जानती हो। रजा मैं बता रही हूँ, तुम्हारी इसी जिद की वजह से ना तुम एक दिन मुझे खो दोगे। और तुम्हें पता है मेरा, रजा मैं सुसाइड कर लूंगी। शट अप, जस्ट शट अप। आइंदा कभी मुझे इस तरह से ब्लैकमेल मत करना। डिसीजंस लेने के बाद उन पर आर्ग्यूमेंट किया जाता है, इस तरह से थ्रेट नहीं करते। और तुम्हारे पापा एक बादशाह और पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्हें कायल करने की कोशिश करो वो मान जाएंगे। उन्हें मनाओ, डराओ मत। कहलाओगे मजीद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पप्पू, अगर आप हिस्से की बात करने आई हैं तो आपको अपने हक के लिए कोर्ट जाना होगा। इस घर में से मैं आपको एक ढेला भी नहीं दूंगा। अब्दुल मजीद, का हक अदालतों के जरिए नहीं मिलता, नियतों के जरिए मिलता है। और जब नियत में खोट आ जाए तो फिर रिश्ते रिश्ते नहीं रहते, और जब रिश्ते ही ना रहे तो फिर हक कैसा। हम जा रहे हैं यहां से। मैं तो तुम्हें ये कहने आई थी, तुमने मेरे साथ जो भी सलूक किया उस वक्त को याद करते हैं जब तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, अपने घर में पनाह दी थी। बेटा, तुम्हारे पप्पो इतनी एहसान फरामोश नहीं है कि आज के बुरे दिन की खातिर कल की अच्छाइयों को भूल जाए। और रेहाना, मैं अपनी बेटी की बेगुनाही साबित कर सकती हूँ। अमजद को यहाँ बुलाकर उसे पूछ सकती हूँ कि उसे यहाँ बुलाने वाला कौन था। मगर नहीं, मैं तुम्हारे घर में बिगाड़ नहीं चाहती। अच्छा बेटा, चलती हूँ। खुदा हाफिज। अरे बाबा, इसकी जरूरत नहीं है, रखो रखो। अरे तू तो बाबा डर गया। बड़ा कहता था उस दिन कि गुंडे मौत से नहीं डरते, हा? जान बहुत प्यारी होती है, और क्या बोला वगैरह वगैरह। बस बस बस, फालतू मंजन मत बेच, काम की बात कर। कसम अल्लाह साईं की, तेरे यही भरम तो भाते हैं मुझे। चल सबूत दे मुझे, मैं तुझे मोहसिन का पता, मोबाइल नंबर, ऑफिस का एड्रेस सब कुछ दूंगा। शरीफ, कंचे नहीं खेले मैंने तेरे साथ, जो तुझ पर एतबार करूं। एक बार किया था, अपने साथियों को खो दिया मैंने। अरे बाप, तू तो एक ही बार में खिलाड़ी हो गया। हा? चल ये ले, जा जाके ढूंढ उसे,
जिसने तुझे मौत से डरना सिखाया। जा। हेलो। क्या बात है अनिका, क्या नींद पूरी नहीं हुई? ये आंखें लाल क्यों हो रही हैं तुम्हारी? नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही सर में दर्द हो रहा था। नहीं नहीं यहाँ नहीं, वहां रखो उनके पास। जिशान, ये नूडल्स मैंने खास कर आपके लिए बनाए, आपको बहुत पसंद है ना मेरे हाथ के नूडल्स। थैंक यू। तुम्हें पता है सारा कि बाहर वतन से दूर जो सबसे ज्यादा चीज याद आती थी मुझे वो क्या थी? तुम्हारे हाथ के नूडल्स। अरे हाँ, वो याद आया कि खाने पे बुला लो ना आज उन्हें। वो क्या नाम है वो लड़के का? रजा, रजा नाम है। भाई वाह, मेरा बेटा तो जिम्मेदार होना शुरू हो गया है। कैसा लड़का है वो? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, समझदार, सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा लड़का है, अपना खुद का बिजनेस है, यही पास ही में तो रहते हैं। अच्छा। ओ मामा, आपने पापा को एक और अहम बात तो बताई नहीं रजा के बारे में। पापा, रजा की एक बहुत अहम क्वालिटी है जो शायद आपको पसंद ना आए, वो आप अनिका से ही पूछ लें। क्यों अनिका, पापा को नहीं बताओगी कि तुम कितनी जीनियस हो? अरे अरे बताओ, क्या बात है जो मुझे पसंद नहीं आएगी? नहीं पापा, अनिका बुरा मान जाएगी। अरे अरे बताने दो सायरा उसे, बताओ अरीब, वो क्या बात है जो मुझे पसंद नहीं आएगी? पापा, अनिका का दिल इतना बड़ा है ना कि वो एक शादीशुदा आदमी से शादी करने जा रही है, और वो भी उस सूरत में कि उसकी फर्स्ट वाइफ का कुछ पता नहीं है कब आ जाए। व्हाट, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने ये तरबियत की है मेरे बच्चों की मेरी गैर मौजूदगी में? पापा, आप मामा को क्यों डांट रहे? उनका इस सब में कोई कसूर नहीं है। चुप रहो तुम। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं तुम्हारी माँ से तो पूछ लूं। मुझसे क्या पूछेंगे आप जीशान? हाँ, अपनी औलाद से पूछें जो पूछना है। एक की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी चढ़ी हुई है और दूसरा फसाद फैलाने पर तैयार है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस गलती को तुम्हारी बातों में आकर माफ कर दूंगा? ना करें मुझे माफ, मुझे माफी नहीं चाहिए। औलाद हमेशा बाप की ही कहलाती है, अगर कोई गलती कर दे तो माँ की कहलाती है। संभाले आप अपनी औलाद, यही बैठे यही रहे, मुझसे नहीं संभलते ये दोनों आप। वाह भाई वाह, जब तीर कमान से निकाल दिया तो आप कहती हो कि वापस ले आऊं। मैं कमाने की गर्ज से बाहर क्या गया? तुम लोगों ने मेरी इज्जत से खेलना शुरू कर दिया। अब जीशान की बेटी एक शादीशुदा मर्द से शादी करेगी, वाह ये औकात रह गई है मेरी। पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी सिर्फ रजा से ही करूंगी, चाहे उसमें आपकी मर्जी शामिल हो या ना हो। देखा तुमने किस तरह मेरी औलाद को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया तुमने? पापा, क्या पापा पापा लगाई हुई है? हाँ, सारा फसाद तुम्हारा ही फैलाया हुआ है, बदतमीज कहीं के। खाना भी नहीं खाने दिया सबको चैन से। क्या हुआ सवेरा, रुक क्यों गई, क्या सोच रही है? कुछ नहीं अम्मा, मैं बस ये सोच रही हूँ कि औरत की जिंदगी में उसकी इज्जत से जुड़ी सबसे अहम चीज उसका घर होता है। अगर औरत घर में है तो इज्जतदार, शरीफ, और अगर घर से बाहर तो खराब। छोड़ बेटा, क्यों जख्मों को कुरेद रही है? इस तरह तो वक्त कभी भी तेरा जख्म नहीं भर सकेगा। चल अंदर चल।
अम्मा घर तो बहुत ही साफ सुथरा है, इतनी सफाई तो कभी हमने भी ना रखी। हाँ सुरैया और उजाला बहुत सफाई पसंद है, और सच पूछो ना उजाला जैसी नफीस बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक कहा अम्मा, उजाला को बहुत अच्छी तरह से रिश्ते निभाना भी आते हैं और अपनी इज्जत संभालना भी आती है, बहुत अच्छी है। शुक्र है तुम्हें भी उसका एहसास हुआ, उसकी अच्छाइयाँ तुम्हें नजर आने लगी। हाँ अम्मा वो वाकई बहुत अच्छी है, बल्कि हम कल चलेंगे उसके घर उससे मिलने के लिए, देखें आखिर उसने और कितने तीर मार रखे हैं। अरे उसके तीरों का बाद में पता चला, अभी जाके जरा बावर्ची खाने में देखो कुछ खाने पीने की चीजें हैं या नहीं, या जाके मैं बाजार से लेकर आऊँ। और सुन अगर सूखा दूध है ना चाय बना लिए। ठीक है। कैसा पर्दा किए बैठे हो।